कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो मैं भी आप सबके सामने हूँ बिल्कुल ठीक ठाक। तो और मेरी वीडियोस को लाइक कर रही है कि नहीं, मुझे रोज पूछे बगैर ही बता दिया करें। तो आज ही मैं गई हूँ पार्लर दिन टाइम में और आईब्रोज बनवाए हैं मैंने, ये देखें। नहीं इतना करीब भी नहीं। तो साथ ये देखे थी आज सुबह का, मैं इनको कह रही हूँ कि प्लीज आज चेंज करते, शादी से पहले के 10 बज रहे हैं और अभी तक ये है, घड़ी आगे पीछे भी इसकी सुई नहीं हुई। तो ये तो इनका काम था कि लेके आते, मुझे भी नहीं याद रहता कि जब मैं जाऊं तो बिल्कुल ना ढीले हुए पड़े हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, थंबनेल से आपने देख लिया होगा कि आज अभी भी हमने खाना खाया बिल्कुल, और नमाज पढ़ी है, ये जाए नमाज पढ़ी हुई है, ठीक है, खाना खाया। और किचन के हालात में आपको दिखाती हूँ कि हमारे खाने के बाद किचन की रूटीन कैसी होती है। और साथ ही अम्मी भी अगले दिन आई थी तो वो मेरे लिए कुछ ड्रेसेस लेके आई जो कि शादी से पहले थे, एज अ मेमोरी मैंने अपने पास जो है ना उनसे मंगवा लिए हैं कि मुझे दे, मैं इनको अपने पास रखूंगी। और उन्होंने सिर्फ 2-3 ड्रेसेस मुझे दी है, बहुत बड़ा अम्मी जी जुल्म किया आपने मेरे पे, और बाकी उन्होंने पास रख ली है, कहती है कुछ मेमोरी मेरे पास भी रहने दो। तो चले आपको दोनों दिखाती हूँ, किचन भी दिखाती हूँ और आज जी आपको ड्रेसेस भी दिखाती हूँ। सो वीडियो को स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा। तो ये बैग भी पड़ा हुआ है और मैंने मतलब बिल्कुल इसको ना एम्प्टी कर दिया है, इसमें से हर चीज जो अपनी जरूरत की थी सब निकाल ली है। अभी अभी होके आई हूँ तो अभी तो मेरा चक्कर नहीं लगेगा, तो अब इसको भी ले जाती हूँ ताकि संभाल लूँ इसे। और साथ ही कुछ बर्तन भी है ये भी मैं ले जाती हूँ। आ जाए देखते हैं कि किचन में क्या हालात है। और ये देखे जी अभी भी रोटी बनाई है, भूख काफी लगी हुई थी तो मेड तो चली गई थी घर, लेकिन जो है मैंने कहा कि जाके ना सेट कर लूं किचन, और रोज यही हालात हो जाते हैं ऐसे। और साथ में हमेशा जिशान को जब मैं भेजती हूँ कि आप बर्तन रख खाएं तो यही हालात होते हैं, इधर पड़े होते हैं, सालन इधर होता है, कोई संभालने का कोई सीन नहीं होता, ये इनके काम है देख लें। और आज हमने बनाया था जी चिकन बनाया आज हमने, बहुत ही मजे का और टेस्टी, बड़ी भूख लगी हुई थी, सही रोटी जाना क्रज के खाई। और इधर भी नीचे सालन गिरा हुआ, ये चूल्हा तो मतलब रोटी बनाए ना बस जल्दी जल्दी गंदा हो जाता है। और बर्तन तो आप देख सकते हैं इधर देखें जी, औरतों और बर्तन का तो एक दिली कनेक्शन होता है भाई, जब भी किचन में आया जाए तो एक दो तो पक्का पड़े होते हैं धोने के लिए, तो जितना कोई घबराता है उसके लिए ज्यादा ही बन जाते हैं। लेकिन मुझे बर्तन धोने का बहुत शौक है तो इसलिए अब मैं सारा किचन करती हूँ सेट और आपको दिखाती हूँ। क्यों ना मैं किसी होटल पे बर्तन धोने का काम दिलवा दूं, शौक का शौक, काम का काम, काम तो बंदा वो करे जिसमें शौक हो। ये नहीं कि मैं आपको बहुत अच्छा काम का मतलब दिलवा दूं, ये तो आप घर का करती हैं, चले खैर है, वेरी फनी, चले शुरू करें, नहीं करना फिर अब करती हूँ। नहीं नहीं होटल पे काम करना ही नहीं, नहीं। आज तो मैं लालो लाल हुई पड़ी हूँ और उस पे मुझे वो गाना याद आ रहा है, सूट तेरा लाल रंग था। और वैसे भी शादी के बाद जो है वैसे तब रेड कलर का लहंगा पहना था, उसके बाद आज ही जो है पहना है। तो ये टॉवल ले लिए मैंने साफ, इस अपनी शर्ट को क्लीन करने के लिए, ठीक है, पानी नहीं यूज करती क्योंकि जो नीचे कैबिन है वो इससे खराब हो जाती है, ठीक है। और अब मैं सारा करती हूँ क्लीन और अब आपको दिखाती हूँ साथ साथ बिगड़े हुए किचन को सेट करना कैसे करते हैं। चले अब जिले पहले बर्तन धो लूँ उसके बाद बाकी कर लूँ, क्योंकि पहले बर्तन धो लूँ। तो कुकिंग तो मुझे आती नहीं है, अम्मी के साथ ही मिलकर काम करती हूँ, तो आप जो है ना पीछे ना पड़ जाइएगा मेरे। तो इंसान जो है सारी उम्र सीखता रहता है, जारी बात है, और कब्र तक जाने तक इंसान जो है सीखता रहता है बुढ़ापे तक। तो आपको चाहिए, घर की लड़कियों को चाहिए कि जो है वो अपनी अम्मियों का हाथ बटाए काम करने में, इसलिए जो घर के सारे बर्तन है ना मेरे साथ साथ निशान हम दोनों मिल के धो लेते हैं, ठीक है। और कोशिश करनी है कि तेरा बर्तन ही नहीं धोने, टाइम निकाल के हमारे व्लॉग भी देखने हैं, हमें टाइम देना है आपने सबसे पहले जो है ना। ये बर्तनों से भी बड़ा काम है ये आपने करना है, इससे आपको फायदा होगा। तो क्योंकि अगर हमारी माए होंगी तो हमारे पास सब कुछ होगा, माँ जन्नत की हवा, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, सही बात है। अगर वो होंगी तो हमारे पास सब कुछ है, अगर वो ना हो तो हम बिल्कुल खाली हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो हमें चाहिए कि हमसे जितना हो सके, जितना भी हो सके हम हाथ बताए घर में, ठीक है। कुकिंग वाइज मैं जरा मार खा जाती हूँ क्योंकि मैं अभी सीख रही हूँ साथ साथ। तो इसलिए आप... मैं आपको एक दुआ देना चाहता हूँ, अल्लाह आपको जल्दी जल्दी जो है ना वो माँ का रुतबा उससे नवाजे, ठीक है, सही हो गया। और आप
बाप तो बेचारा जिम्मेदारियां ही सारी जिंदगी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है बहुत ज्यादा। सही बात है, आपकी तो ऐसे शादी के बाद काफी बढ़ गई जिम्मेदारी मेरी। देख लेंगे, मेरी शॉपिंग ही नहीं खत्म होती। शॉपिंग? हाँ शॉपिंग बोलो तो लोगों को बुरा लगने लग पड़ता है। शॉपिंग क्या वर्ड है यार, किसी हाल में तो जीने दो। चलो ये कर लेना फिर, ऑलमोस्ट हो गया। ठीक है, अब मैं सेट किचन आपको सारा एक बार दिखा देती हूँ। मैंने जो है ना ये चूल्हा भी रह गया, चूल्हा भी साफ करना है। क्लीन हो गया, मैंने जो है 2 मिनट में सारे बर्तनों को रगड़ दिया है और अब जो है मैं चूल्हा साफ करूंगी। हल्का सा मैंने टॉवल है इसको गीला कर लिया, ठीक है, और मैंने बिल्कुल सही करके निचोड़ लिया है, तो इसको अब मैं अच्छे से ना चूल्हा वॉश कर दूंगी और बाद में फाइनल लुक आप देख लीजिएगा। और अम्मी जो है अभी बाजी को कॉल कर रही है, और अगर आपने अम्मी को कोई मैसेज देना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, वो पढ़ लेंगी। ठीक है, और मेरे बारे में अच्छे अच्छे यार कमेंट किया करो, अम्मी पढ़ती है बाद में, मेरी इतनी इंसल्ट हो जाती है इन अम्मी से भी और अपनी अम्मी से भी। ठीक है चले चूल्हा बिल्कुल साफ हो चुका है, देखिए आप, और मैंने कोई आपको वो मुश्किल चीज नहीं बताई, सिर्फ लव होते है करो होते वो करो, इस चीज में वो मिलाओ कुछ भी नहीं, जो करके तो लिया गीला करें और ऊपर लगा दें और देखें बाद में मुझे दुआ दें कि वाह यार ना साता, इतना भी सादा हो सकता है। तो अब अम्मी के साथ में दर्द है, उसे शाम के लिए भी चाय बनानी, मैं साथ साथ वो रखती हूँ, थोड़ा सा वेट करें। और इतने में सालन जो है बाकी मैंने इसमें डाल दिया, इसको मैं फ्रिज में रखती हूँ, आती हूँ 2 मिनट। किचन सारा हो चुका है सर, तो चाय बनाती हूँ, उसके बाद आपको वेट नहीं कराती, अपने ड्रेसेस भी दिखाती हूँ। ठीक है, इधर सेटिंग में मुझे ना थोड़ा सा चूल्हा आहिस्ता करना चाहिए क्योंकि वो आप देख रहे हैं जल रहे हैं। ठीक है, मम्मी ने इसको जो है अनार और सेब डाला है, तो उसके छोटे छोटे पीसेस करके खाता है बहुत ही शौक से, और इसका ट्रे सुबह हम वॉश करा लेते हैं। लेकिन अभी से दोबारा आप देख सकते हैं कि इसके सारे दिन की ये रूटीन है, और अब दोबारा जो है ना वॉश करना पड़ेगा, तो ये शरारतों में बिजी है, इतना बिजी है कि ये खा रहा है और बस बोल नहीं रहा। अब मैं चाय मतलब पी ली है, सब ने पी ली है, और उसके बाद ये जो मिरर मेरा कल थोड़ी सी रहती है आपकी रह गई है, मैंने तो जल्दी जल्दी पी है, मैंने मुझे पता था वीडियो बनानी है। और ये मिरर जो था ये जो टूट गया था, मैंने अपनी इंस्टा पे भी स्टोरी लगाई हुई थी, तो ये अभी इसको जोड़ा है हमने इधर से, तो बाद में जो है ना ऐसे करके हम सेट कर लेंगे। ठीक है, एल्फी लगाई है इसको। ये जोड़ा है ऐसे ना, अभी ना करें, अभी मैं ज्यादा नहीं करती क्योंकि अभी आपने इसको ना जोड़ा हुआ है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने शादी से पहले के ड्रेसेस, जो शादी से पहले मैं मतलब पहनती थी। अम्मी अगले दिन ही लेके आई है, तो उनको मैंने एक एक बार मतलब लाइट लाइट प्रेस किया, और बहुत ज्यादा नहीं हुआ, अगर आपको ज्यादा प्रेस नहीं नजर आ रहे तो उसके लिए सॉरी। आ जाए देखे, ये है पहला ड्रेस, ब्लैक कलर में है, उसकी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है ये सारी, और इसी तरह इस पे भी ये पैच है इसकी ब्लू कलर में, आसमानी कलर कह लें, और ये रेड कलर की पाइपिंग है, उसी के साथ ही ब्लैक दुपट्टा और ब्लैक ट्राउजर है। ठीक है, सूट नंबर सेकंड नंबर पे जो ड्रेस है वो ये देखे, 11 मैक्स कलर में है, सॉरी सी ग्रीन कलर में, और आपको कैमरे में ऐसा कैप्चर नहीं हो रहा, तो सिल्वर कलर का इस पे जो है वो मतलब खुद ये लगवाया हमने गला, और रेशमी स्टफ है इसका, और एंड पे भी ये देखें, ये इसको पता नहीं फीता कहते हैं कि क्या कहते हैं इसको, हमने लास्ट पे ऐसे लगाया हुआ, तो रेशमी ड्रेस था ये मेरा ख्याल है पेटी में पड़े से हैं, तो माशाल्लाह इतने खराब हो गए, इतने खराब। थर्ड वन एंड लास्ट वन जो ड्रेस है वो है ग्रे कलर में, कॉटन में है इसका स्टफ, और एम्ब्रॉयडरी बहुत ही लाइट सी और नफीस सी है, वो हैवी नहीं है, आप इजीली इसको कैरी कर सकते हैं। गर्मियों के ड्रेसेस वैसे भी जो हैं ऐसे होने चाहिए कि आप इजीली इसको ना कैरी कर सकें और किचन में काम कर सकें सबसे ज्यादा, तो इसका ये स्टाइल मुझे बहुत पसंद है। ये शॉर्ट सी शर्ट है, बल्कि शॉर्ट सा फ्रॉक आप इसे कह लें, और इसी के साथ ही पटियाला सी जो है शलवार है ग्रे कलर में ही है, और दुपट्टा इसका मल्टी शेड में है जी। तो ये ड्रेसेस थे, 2 और भी हैं, चलिए वो किसी और वीडियो में आपको दिखा लूंगी। तो आपको मेरी आज की वीडियो सारी कैसी लगी है मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।